चलर हमारे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ बंस रोड पे, और ये जो रोड है बहुत बिजी रोड है, और मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो बन कबाब है, कितना रश लगा हुआ है। ये बहुत फेमस बन कबाब है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी यहाँ आएँ और ये बन कबाब ट्राई करें। मैंने ये बन कबाब रमज़ान में खाया था और मुझे बहुत मज़े का लगा था। मैंने सोचा था कि फिर ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन बना नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इधर आइएगा, विज़िट ज़रूर कीजिएगा, बहुत आउटस्टैंडिंग बन कबाब है। बिल्कुल मेन बंस रोड जहाँ पे एंड हो रहा है, जो चुरंगी है बंस रोड की, लेकिन थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको गली के अंदर मिलेगा। बहुत यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग भी आएँ ट्राई करिएगा। खैर अभी अंदर चल के बताता हूँ कितने का बन कबाब है और क्या इसकी स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं अंदर, तो चलें। ज़बरदस्त खुशबू है, ये देखिएगा, ज़बरदस्त। अच्छा ये देखिएगा, अच्छा बंद अलग से दे रहे हैं और वो कबाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कितने का बन कबाब है? सिंगल 40 का और ये डबल 80 का। डबल 80 का, अच्छा सिंगल जो होता है वो दिखा देंगे मुझे, किस तरह से आप सिंगल कह रहे हैं? अच्छा ये जो एक पीस होगा ये सिंगल होगा? ये सिंगल होता है, ठीक है। और डबल जो होगा वो 80 रुपये का, ठीक है, सही है सही है। अच्छा भाई इनका ये तरीका है, जिस तरह से कबाब एक अलग से देंगे, और ये चटनी है आपकी स्पेशल चटनी है, और ये है प्याज, और ये जो है ये बंद आ गए, वाह ज़बरदस्त। तो ये देखिएगा, ये इनका तरीका है देने का, और ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है और मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ भी इसका टेस्ट शेयर करता हूँ, कैसा टेस्ट है इसका। और वैसे तो मैंने खाया था, मैंने आपको जिस तरह से बताया था, मुझे तो बहुत पसंद है, दोबारा से टेस्ट शेयर करता हूँ। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए। बहुत ज़बरदस्त है, चटनी का जो जायका है ना, चटनी का जायका बहुत यूनिक है इनका, कबाब भी बेहतरीन है, और इनका जो तरीका है बहुत यूनिक है। आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग भी आएँ यहाँ विजिट करें और ज़रूर ट्राई कीजिए। खैर यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी कमेंट देते हैं, वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, और भी जगह हैं खाने के, तो वो लोग यहाँ क्यों आए और इसको क्या स्पेशलिटी है, तो उनसे भी कमेंट्स देते हैं। तो यहाँ पे ये भाई भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से आए हैं? मैं फेडरल की एरिया। फेडरल की एरिया, अच्छा यहाँ आते रहते हैं ये बन कबाब खाने हैं या आज पता? बहुत बहुत काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। क्या स्पेशलिटी है इसके अलावा, आप कहीं और क्यों नहीं जाते? यहाँ आपका जो है वो एक मेयारी बन कबाब है, सही। और प्लस ये कि मैं जब से खा रहा हूँ, मैंने एक स्पेशलिटी इनकी देखी है कि इनका टेस्ट जो है ना, वो जब पुराना खा रहा था और अभी जो खा रहा हूँ करंट, ठीक तो है, ये बिल्कुल वही टेस्ट है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं। अच्छा समझ गया। और आपको इसकी क्या खासियत लगती है? इनकी चटनी अच्छी लगती है, कबाब अच्छा है, क्या अच्छा पसंद है? इनकी चटनी के अंदर ही जायका है, चटनी का जायका, मुझे भी यही लगा चटनी का। और इनका जो एक प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, बिल्कुल बिल्कुल, जो देने का स्टाइल है वो मुझे बड़ा यूनिक लगा, तो मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ। तो वैसे आप देखें कि और जगहों पे आप बन कबाब लेंगे तो वो बेसिकली वो बर्गर बना के देते हैं एक तरह से, ठीक है। इनका जो स्टाइल है इसमें आपने पैटी भी खुद रखनी है, सही। और जो है अगर आपने वैसे खाना बर्गर स्टाइल में, जैसे मैं अभी खा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। अगर वैसे आप खाना चाहें इसको बन के साथ अलग से, तो वो आपकी मर्जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बन कबाब कहा जाता है वो ये चीज़ है, यही है, और बाकी जो दूसरे दे रहे होते हैं वो बर्गर में आ जाता है, वो बर्गर में आ जाता है। बन कबाब अगर खाने तो यहाँ आए, तो व्यूअर्स को क्या आप बोलते हैं, यहाँ आए विजिट करें? अच्छी चीज़ है, एक मेयारी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा, तो एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर बनता है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत है? अच्छा आपका बन कबाब ट्राई किया, बहुत मज़े का लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त था। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है, नाम है परवरदिगार का। अच्छा आप लोकेशन बताएं अपनी। हमारी लोकेशन ये है, ये बंस रोड का इलाका कहलाता है, ठीक है, मेन फ्रेस्को चौक के सामने, सही, फ्रेस्को बेकरी के सामने गली वाले बन कबाब है ये, सही, और बाबुल इस्लाम मस्जिद की गली, ठीक है। कितने अरसे से बना रहे हैं आप? ये 71 साल से। अरे माशाल्लाह, 71 साल, मतलब आपके चौथी पीढ़ी चल रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह भाई बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और मैंने कस्टमर से भी आपका रिव्यू लिया, तो उन्होंने यही कहा कि जो टेस्ट हम लोगों को पहले मिलता था वो भी बाद में चेंज तो नहीं करेंगे?
बाद में टेस्ट में देखिए, मेरे अल्लाह के हाथ में वो करेगा, मेरा मालिक जो भी कुछ करेगा। ठीक है, अच्छा प्राइस बता देंगे एकदम? प्राइस सिर्फ सिंगल 40 रुपए का, डबल 80 रुपए का है। सही है, ठीक है, मैकडोनल्ड से और केएफसी से कम रेट में मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई व्यूवर्स को। पाकिस्तान में जितनी भी ब्रांचें खुल रही हैं बंसोड़ के नाम से, सब दो नंबर जाली दुकानें खुल रही हैं। ओरिजिनल ही है? ओरिजिनल ही है, एक नंबर। ठीक है भाई, आपने देख लिया है। और आप अपना नाम भी बता दें एक और दफा। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। ठीक है, ये हाजी अहमद अदनान के नाम से शॉप है। ठीक है, हाँ, और ये कोले के, कोले वालों के नाम से मशहूर है। ये को देख रहा हूँ कैमरा जी भाई, वो देखे कोले। अगर आप कैमरा दिखा सकते हैं, जूम कर देता हूँ थोड़ा, जूम करो जरा, हाँ, ताकि लोग पता चले कि हाँ भाई क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लोकेशन आप लोगों को मैंने बता दी है और इन्होंने भी बता दी है लोकेशन, तो आप लोग ज़रूर आए विज़िट करें। और ये वो है ओरिजिनल बन कबाब, जो के और भी जो दूसरे बन कबाब हैं जो इनके नाम से खुले हैं वो है फेक, और ये ओरिजिनल बन कबाब है। मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखा दी, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। मुझे बड़ा मज़े का लगा टेस्ट, और ज़बरदस्त टेस्ट था इनका। एक रवायती जो टेस्ट होता है जो बन कबाब का, वो लगा है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जिसने यहाँ का बन कबाब नहीं खाया है, तो मैं कहता हूँ उसने कहीं कभी बन कबाब नहीं खाया। तो यहाँ आके ज़रूर विज़िट करिएगा। लोकेशन इन्होंने बता दी, बार बार मैं बता रहा हूँ, लोकेशन इन्होंने बता दी। देख रहे हैं आप सीधा यहाँ बंस रोड, ये देखिएगा सामने बंस रोड आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, वो बंस रोड से अगर आप यूँ आएंगे तो थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो आपको गली के अंदर आपको नज़र आ जाएगा गठिया लगा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यूनिक है। आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ, विज़िट करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी सपोर्ट हो जाती है सब्सक्राइब करने से, तो प्लीज़ वो ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।